हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आकांक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? इनविटेबल फिनोमिनन है। इसका मतलब क्या है? ये जो प्रोसेस है बहुत नेसेसरी प्रोसेस है, इसको घटना जरूरी ही है। वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एवेपोरेटिंग सरफेस ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका मतलब क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एवेपोरेट होता है किसके फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में। एवेपोरेटिंग सरफेस जो होती है एरियल पार्ट प्लांट की, वहां से वाटर का लॉस होता है, उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी रूट्स है, जो हमारा जो प्लांट है, वो बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल, बल्कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो है यूज होता है। इसके लिए इनमें टाइप्स दिखाए हुए हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन तीन टाइप्स के होते हैं, स्ट्रोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या है, ये पार्ट्स हैं कि जो वाटर जो है एवेपोरेट होता है, जो वेपर के फॉर्म में एवेपोरेट होता है, वो कौन कौन से पार्ट में से होता है? वो अलग अलग पार्ट में से होता है। जैसे कि फर्स्ट है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या होता है, जो वाटर का जो लॉस होता है वो स्टोमेटा से होता है। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो लोअर सरफेस होती है, जो लीव्स की जो लोअर सरफेस होती है, वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। जबकि जो मोनोकॉट्स होते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ग्रास, इसमें क्या होता है, बोथ साइड से एवेपोरेट होता है। जबकि एक्वेटिक प्लांट में अगर हम देखी जाए तो फ्री फ्लोटिंग जो प्लांट्स होते हैं उसकी अपर सरफेस पे ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो वहां से एवेपोरेट होता है। जबकि जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। अराउंड 80-90% जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। नेक्स्ट है हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जो ये जो होता है ट्रांसपिरेशन, ये क्यूटिकल के थ्रू होता है। जो हमारी स्टेम और जो लीव्स होती है उसकी जो क्यूटिकल होता है, उसके थ्रू हमारा जो होता है ट्रांसपिरेशन होता है। 0-10-20% जो है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। नेक्स्ट है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या है, वही लेंटिकल्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है। स्टेम और जो फ्रूट्स होते हैं उसकी जो लेंटिकल्स होता है उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये 0-0.1% ट्रांसपिरेशन लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है, लेंटिक्यूल्स के थ्रू होता है। तो ये था हमारा ट्रांसपिरेशन के बारे में, ट्रांसपिरेशन होता क्या है और ट्रांसपिरेशन के टाइप्स क्या हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।